students, today's topic graph, which I have tried to explain to you in a very easy way. Introduction. Geometrical arrangements are very important while working with real life projects. For example, let us suppose there are 5 villages separated by a river. Now we want to construct bridge to connect these villages. Figure 8.1, that is the 5 villages. We can reduce the landmarks of villages to a dot and we can change the shape of bridge. This will not change geometric arrangement of paths to connect different villages. We can draw a similar geometric our project as follow. V1, V2, V3, V5, V4. 5 विलेज हमने कनेक्ट कर दिए. इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलेजेस को डॉट्स के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच वी कॉल वर्टेक्स, या फिर क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे. एंड ब्रिजेस बाय लाइंस, दैट इज द लाइंस, दैट इज द ब्रिजेस B1, B2, B3, B4. इस टाइप की ड्राइंग को क्या कहते हैं, ग्राफ. ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज ए ऑर्डर्ड सेट VE, जहां पर आपका VG रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉल्ड वर्टिसेस, वर्टिसेस दैट इज कॉल्ड द वर्टिसेस, एंड ईजी रिप्रेजेंट्स करता है एज इज बिटवीन दीज वर्टिसेस, बिटवीन दीज वर्टिसेस एज इज लाइन के थ्रू, दैट इज द एज इज. दिस ग्राफ शोज फॉर विच VG क्या हुआ, V1, V2, V3, V4, V5. एज इज क्या हुए, B1, B2, B3, B4. बेसिक टर्मिनोलॉजी, एडजेसेंट वर्टिसेस. वर्टेक्स V1 इज सेड टू बी एडजेसेंट टू वर्टेक्स V2. इफ देयर इज एन एज इज V1 एंड V2, या फिर V2 एंड V1. इन फिगर 8.2, वर्टिसेस एडजेसेंट टू नोड V3 आर V1, V2, V4, V5. एंड वर्टिसेस एडजेसेंट टू V1 इज V3. सेम इसी तरह से वर्टेक्स एडजेसेंट टू V4 एंड V5 इज V3, जैसा कि मैंने साफ साफ इस फिगर में डिनोट किया है. गॉट इट. पाथ, ए पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस बिटवीन दीज टू वर्टिसेस. देयर मे बी मोर देन वन पाथ टू ट्रेवर्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनादर. कहने का क्या मतलब है कि एक वर्टिस पे जाने एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं. 8.2 फिगर को देखें कि V1, V3, V2 इज ए पाथ टू ट्रेवर्स फ्रॉम V1 टू V2. V1 से अगर V2 पे जाना है तो V1 से V3, V3 से V2. अगर V1 से हमें V5 पे आना है तो V1 से V3 एंड V5. Of as is between two vertices. Cycle is a path in which first and last vertices are the same. Connected graph. A graph G is said to be connected if there is a path between any vertex to any other vertex. 8.2 अभी पीछे जो आपको समझाया था, दैट इज कॉल्ड द कनेक्टेड ग्राफ. देर इज नो आइसोलेटेड वर्टेक्स. जहां पे एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड रहती है वो कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है. कंप्लीट ग्राफ, ए ग्राफ जी इज सेट टू बी कंप्लीट और फुली कनेक्टेड इफ देर इज ए पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स. कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टिसेस विल हैव एन एन माइनस 1/2 एज. ऐसे भी कर सकते हो, 5, 5 माइनस
1 by 2. 5 minus 1 by 2. Kitna aa jayega aapke paas? 10. That is the complete graph. Unconnected graph. Unconnected graph. जहाँ पर अब देखिए आप यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ शो हो रहे हैं. दिखने में लग रहा है कि ये दो ग्राफ हैं बट नहीं, ये एक ही ग्राफ है. ये अलग अलग दो कॉम्पोनेंट हैं. इट इज ए सिंगल ग्राफ बट इट इज वन ग्राफ हैविंग टू अनकनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स. जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो वन साइकिल इन दिस ग्राफ पाथ ऑफ साइकिल इज वी थ्री वी टू एंड वी फाइव एंड दिस इज द साइकिल. वन साइकिल इन दिस ग्राफ पाथ साइकिल इज वी थ्री वी टू वी फाइव एंड वी थ्री. अनडायरेक्टेड ग्राफ. There is no specific direction associated with edges in an undirected graph. An edge is represented by an unordered pair Vx, Vy. Figure 8.1 की बात करें तो 8.1, 8.2, 8.3 represent the undirected graph. Directed graph. A graph is called directed in which an edge is represented by an ordered pair Vx, Vy. In directed graph, the path is called the directed graph. A cycle is known as a directed cycle. 8.4 figure में देखिए V1, V3, V2 is a directed path but V1, V3, V5 is not a directed path. समझ आया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ. V1, V3, ये डायरेक्टेड. V3, V2 is a directed path, but V1, V3 and V5 is not a directed path. थैंक यू सो मच. नोट्स चाहते हैं तो ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक सेंड करूंगी, उसमें आप जा करके ये नोट्स भी ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.